हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीटी स्कैन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी के बारे में जानेंगे, स्कैनिंग के बारे में जानेंगे, सीटी स्कैन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएँ और उसको सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आज का जो स्टार्ट करते हैं, जो टोमोग्राफी है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन कही जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्सियल व्यू मिलता है, एक्सिस पे सारे एक्सिस पे मिलते हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू मिलता है, तो इसको टोमोग्राफी, एक्सियल टोमोग्राफी भी कहते हैं। तो इस टोमोग्राफी को हम समझते हैं, टोमोग्राफी का क्या मतलब होता है। टोमो एक जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कट या स्लाइस, तो ये कट या स्लाइस के रूप में आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू देता है, तो ये आपका टोमो हो जाता है। तो ये टोमोग्राफी का क्या मतलब, या ग्राफी का यूज़ हो रहा है, तो ये टेक्निक यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे टोमोग्राफी यूज़ कर रहा है। टोमोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि टेक्निक डिस्प्लेइंग ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल व्यू थ्रू ए ह्यूमन बॉडी और अदर सॉलिड यूजिंग एक्सरे या रेडियोलॉजी। यदि कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू मिल रहा है, उसका डिस्प्ले मिल रहा है आपको किसी भी ह्यूमन बॉडी के या किसी भी अदर सॉलिड्स का, वहाँ पे रेडियोलॉजी यूज़ करके, एक्सरे बीम का यूज़ करके, तो ये हो गया टोमोग्राफी। और आपको कंप्यूटर में मिल रहा है, कंप्यूटर ये जो हो रहा है आपका स्कैनिंग जो हो रहा है, कंप्यूटर पर आपको स्कैनिंग मिल रहा है, तो ये कंप्यूटराइज स्कैनिंग आपको मिल रहा है, तो ये आपका हो गया कंप्यूटराइज स्कैनिंग मिल रहा है, इसलिए आपको सीटी स्कैन कहा जाता है। तो ये है कंप्यूटर टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि इसका इन्वेंशन जो सबसे पहले किया था, इंग्लिश फिजिस्ट थे वो गॉडफ्रे एंड हाउंसफील्ड थे, 1972 में इन्होंने किया था इसका आविष्कार। इन्हें जो कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न रेडियोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्हें नोबेल प्राइज 1979 में मिला था। तो इसके पहले मैं बता दूं कि जो एक्सरे का जो यहाँ यूज़ किया जाता है उसका आविष्कार रॉन्टेजन ने 1895 में किया था, जो काफ़ी हेल्पफुल यानी ग्रेटेस्ट स्टेप है हमारे रेडियोलॉजी के लिए, स्टडी ऑफ एक्सरे यानी रेडियोलॉजी, रेडिएशन जो स्टडी किया जाता है, तो रेडियोलॉजी, तो यहाँ पे एक्सरे बीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे सीटी स्कैन में, क्योंकि यहाँ पे एक्सरे का ही यूज़ किया जाता है, लो बीम एक्सरे का यूज़ किया जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है उस चीज़ को भी पढ़ेंगे, तब हम आज का स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, लो डोज एक्सरे इसका प्रिंसिपल है, सीटी स्कैन का जो प्रिंसिपल है लो डोज एक्सरे है। तो इसमें कैसे किया जाता है एक्सरे, यहाँ पे कोई पेशेंट को लिटा दिया जाता है, फिर टनल के अंदर ये चला जाता है पेशेंट, फिर उसके चारों ओर जो है एक्सरे बीम का जो है वो राउंड अप किया जाता है, फिर जिस टिश्यू का या जिस ऑर्गेन का आपको लेना है सीटी स्कैनिंग, तो उस चीज़ का पूरी तरह से क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया जाता है कंप्यूटर पर, वो क्रॉस सेक्शनल व्यू आता है, फिर उसका स्टडी करके हम पता करते हैं कि वो डिफेक्ट क्या प्रॉब्लम है आपके ब्रेन में है, क्या प्रॉब्लम, ट्यूमर है या कोई फ्लूड्स जमा है या कोई कैंसर हो गया, ये इस चीज़ का पता कर सकते हैं। कैंसर का इसका पता तो नहीं कर सकते हम, इसमें ट्यूमर का पता हम कर सकते हैं, या कोई सस्पेक्टेड ट्यूमर है या कोई रफ्चर हो गया है, क्या एक्यूमुलेशन हो गया, इस चीज़ का हम पता कर सकते हैं, एब्डोमिन पार्ट का भी पता कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, तब हम देखते हैं कि इसको कैसे यानी कि करते हैं। तो जो है आपका सीटी स्कैन में आपको कन्वेंशनल जो है एक्सरे बीम प्रोवाइड किया जाता है, एक पारंपरिक ढंग से आपको एक इमेज मिलता है। तो ये कैसे मिलता है, जो हमारा जो एक्सरे पास किया जाता है ह्यूमन टिश्यू से जो पास किया गया, तो हमें मल्टी डाई सेक्शनल आपका जो स्कैनिंग किया गया ऑब्जेक्ट का, तो मल्टीपल डाटा कलेक्ट किया जाता है उस टिश्यू का, जो मल्टीपल डाटा कलेक्ट किया जाता है उस यहाँ पर एक्सरे बीम को यानी कि डाला जाता है। तो एक्सरे बीम जो है वो किस यानी कि सेंटिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक चमक में कन्वर्ट हो जाता है, एक चमक जैसा यहाँ पे पूरा चारों तरफ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ आपके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये जो सेंटिलेशन जैसा हो जाता है, जो फोटोन कन्वर्ट हो जाता है, एक सेंटिलेशन टाइप का जो एक्सरे फोटोन होता है, फिर ये डिटेक्ट करता है उसके रिस्पांस को, डिटेक्ट करता है उसका नंबर ऑफ फोटोन जो होता है, वो जिस तरह का टिश्यू होगा, डेंस टिश्यू होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा फोटोन, कम डेंस टिश्यू होगा तो कम फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। तो इस चीज़ का पूरा डेंसिटी जिस तरह का होगा वैसा ही एक्सरे फोटोन का वहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है सेंटिलेशन क्या प्रोड्यूस करता है, सेंटिलेशन से एक क्वांटिफाई के एक परिणात्मक आपका एक जो स्कैनिंग का जो पूरा ये जो पूरा इमेज आता है वो आपको पता चलता है, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है डिजिटली उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, और ये जो डिजिटली आपका रिकॉर्डिंग किया जा रहा है एक्सरे बीम का जो ट्रांसवर राउंड किया जा रहा है पेशेंट का, उसको पूरा डिजिटली इसको रीडिंग करके फिर एनालॉग फॉर्म में इसे लाया जाता है, एनालॉग फॉर्म में जो लाया जाता है, जो इसका रेखीय फॉर्म जो होता है उसमें लाया जाता है, जो उसका जो वो जो होता है ट्यू
टू डायमेंशनल होता है, वो टू डी स्ट्रक्चर होता है। तो टू डी स्ट्रक्चर में इसका डिस्प्ले होता है, तो ये जो डिस्प्ले होता है तो आपका सी टी स्कैन में हो जाता है। तो देखिए डिस्प्ले कैसा होता है, इसका जो सी टी स्कैन का डिस्प्ले इस तरह का होता है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हर तरह का पूरा एक जो पूरा ब्रेन है तो उसके ऊपर सबसे पहले, फिर छोटा सा, फिर इतना बड़ा, फिर ऐसे करके पूरा क्रॉस सेक्शनल इसका व्यू लिया गया। तो पूरा क्रॉस सेक्शनल आपका जो व्यू मिल रहा है ये पूरे ब्रेन का, हर स्लाइस में, हर कट में, टोमो में, हर टोमोग्राफी का इसमें यहाँ यूज़ किया जा रहा है। हर एक स्लाइस में देखिए आपको, यानी कोई भी आपका, यानी कि इसमें आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि आपको इसमें ट्यूमर है या किसी भी तरह का, यानी रफ्चर हो गया ऑर्गेन में या कोई फ्लूइड्स जमा हो गया है, या आप रेनल यानी कि एब्डोमिनल पार्ट में, यानी किडनी में आप पता कर सकते हैं रिनल स्टोन है या नहीं, किडनी में स्टोन है या नहीं, गॉल ब्लडर का भी, गॉल ब्लडर में स्टोन है कि नहीं, गॉल स्टोन है कि नहीं, इस चीज़ का भी हम पता कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है हमारे इस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन में। मेनली ये काफ़ी यूज़ किया जाता है ब्रेन में, ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे स्ट्रोक है या ब्रेन में या नहीं है, ब्रेन का कोई आपको ट्यूमर में सस्पेक्ट है कि आपके ब्रेन में ट्यूमर है, आपको सस्पेंशन हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो आप इस चीज़ का पता सीटी स्कैन के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हर तरह का व्यू, हर एक इमेज का व्यू यहाँ पे आता है, हर एक स्लाइस का, हर एक क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे मिलता है ब्रेन का। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टडी करने में कि क्या कोई ब्रेन में डिफेक्ट है या कोई ट्यूमर है या किसी तरह का कोई फ्लूइड्स जमा है या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से, रफ्चर ऑर्गेन में है या नहीं, इस चीज़ का हम पता कर सकते हैं। तो इस जो काफ़ी हेल्पफुल है, इसका सारा यूजेस है। अब हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या और एडवांटेज क्या है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव होता है काफ़ी ज़्यादा, यानी कॉस्टली होता है, खर्चीला होता है, और इसमें जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ किया जाता है, यहाँ एक्सरे बीम का यूज़ किया जा रहा है, आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ किया जा रहा है, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है, हार्मफुल होता है, वो हानिकारक होता है, उसका डिफेक्ट कुछ भी हो सकता है, कैंसर के रूप में भी आपको वो हो सकता है, कैंसर भी बन सकता है। तो इस चीज़ का ये, इसलिए यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ किया रहा है, जो इसका डिसएडवांटेज है, इसकी हानि है। और इसका लाभ ये है कि इसका जो एडवांटेज क्या है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल हमें व्यू मिलता है, जो सारा यानी क्रॉस सेक्शनल व्यू हमको मिल रहा है, उसका जो डिस्प्ले हो रहा है एक्सियल प्लेन पे, जो उसका डिस्प्ले हो रहा है एक्सियल प्लेन जो अक्षीय पे आपको जो मिल रहा है, तो ये जो एक्सियल प्लेन पे आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू जो मिल रहा है, तो ये आपका जो हेल्पफुल होता है आपको किसी भी चीज़ का स्टडी करने में, ब्रेन का मेनली स्टडी यहाँ पे किया जाता है, एब्डोमिनल पार्ट का भी स्टडी किया जाता है। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टडी करने में कि आपको ब्रेन स्ट्रोक है या नहीं, ट्यूमर है या नहीं ब्रेन में, इस चीज़ का पता कर सकते हैं, फ्लूड्स का, लेशन का, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेन का, हर चीज़ का हम पता कर सकते हैं, गॉल ब्लडर या रेनल स्टोन, हर चीज़ का हम पता इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे प्लेन में, पूरे प्लेन में, यानी कि हर प्लेन से इसका यानी कि क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया जाता है हर प्लेन से, तो हेल्पफुल होता है स्टडी करने में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये आज का सेक्शन सीटी स्कैन, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, गॉड ब्लेस यू।